नमस्कार, मैं आज आपको एक ऑडियो बुक देने वाला हूँ। उसका नाम है द मैजिक। यह बुक रोंडाबन नाम के मशहूर लेखिका ने लिखा हुआ है। 41 भाषाओं में यह अनुवादित हुआ है और 30 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज इसकी बेची गई है। इसका मैं आज परिचयात्मक पहला ऑडियो दे रहा हूँ। टोटल 28 दिन का यह पूरा कार्यक्रम है और 28 प्लस यह एक ऐसे 29 मैं आपको वीडियो दूंगा। आपने उसमें अभ्यास करना है, एक्शंस लेने हैं, कृति करनी है। जो मैं बताऊंगा उसके ऊपर कृति होना जरूरी है। यदि आप कृति करते नहीं है तो कुछ काम का नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है वो ज्ञान लेके कुछ फायदा होता नहीं है। नॉलेज डजंट मेक एनी डिफरेंस ऐसा बोला जाता है। तो हम चालू करते हैं। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रॉयल डाल लेखक है। 1916 से 1990 यह काल में हुए। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हम में कभी थी। लेखिका बोलती है कि मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोहभंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार है? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार है?
जिस तरह आपके बचपन में होता था, जादूगर तैयार हो जाए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है। एक महान रहस्य यह है, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो यह अन्यायपूर्ण लगता है। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज़्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। आकर्षण का एक नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती है, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वहीं काटते हैं और आप जो देते हैं वहीं पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। यह सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइज़ैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप कृतज्ञता के विचारों को
न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं और जो आप पाते हैं वो हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, मतलब जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं आप उतना ही अधिक पाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। आइंस्टाइन ने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। लेखिका कहती है कि यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता है कि क्या मैं कृतज्ञ हूं तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूं। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूं। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी, मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने का क्या मायने होता है। लेखिका ने बताया कि लेखिका कितने मुश्किल में थी, कर्ज का बोझ था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, काफ़ी सारी कठिनाइयाँ थी और बहुत सारी समस्याएं उसके सामने थी, उसके जीवन में थी। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने लेखिका के भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि लेखिका के जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया परिणाम उतने अधिक चमत्कारी होते चले गए। लेखिका बोलती है कि अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों में कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी, अब तो मेरे दिन के एक के बाद एक अच्छी चीज से भरते जा अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोग सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते हुए नजर आते हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। वैवाहिक जीवन सुधरते हैं और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते हैं। घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन जाते हैं और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच जाते हैं।
आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितने पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हैं वो हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीजों को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। जादू का फॉर्मूला यह है कि ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। यदि आप इसका अभ्यास मतलब इसको कृति में नहीं लाएंगे तो फिर यह कुछ काम में आएगा नहीं। आपको अभ्यास करना होगा। जादुई फॉर्मूला बताता है कि जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहे, जानबूझकर। नंबर दो, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। नंबर तीन, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावनाओं को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज़्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जॉन एफ केनेडी, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। यह पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएंगे। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा हमेशा हमेशा के लिए। यह अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बना सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे
और जल्द ही देखेंगे। पहले 12 अभ्यास कृतज्ञता की, फिर से इसमें 12, 10 और 6 ऐसे तीन पार्ट है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। यह शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहां आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। आप एक कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों को सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता न करें, जब आप कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर ले कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना,
संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे वो भी चीज हासिल करना चाहते हैं, उसे लिख ले और यथासंभव निश्चित करें। छोटी चीजें लिखे, बड़ी चीजें लिखे, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो वो लिखे। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है, जैसा कि स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तो आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाएंगे।